बनाए जाए ना। आज जो है, आज मेरी फ्रेंड के यहाँ पे माता रानी की चौकी उसने रखी है, तो कीर्तन होना है, तो उसके लिए मैं जाने वाली हूँ। तो अभी मुझे होना है रेडी, तो मैं होती हूँ आज, मैं सूट फिर इसके साथ जाएंगे। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ साड़ी पहन के ही जाती हूँ, बट आज ना ऐसे ही सिंपल जाना है मुझे, तो क्योंकि जल्दी रेडी होना है, टाइम बहुत कम है। तो चलिए रेडी होकर मिलती हूँ। हाँ, मेरी फ्रेंड ने पूजा जो आयोजन किया था उसको मैं माता रानी का और भगवान जी का पूरा वो किया, चंदन और जो पूजा की जाती है करने के बाद फिर स्टार्ट किए थे भजन। तो उस अभी इसी टाइम पे एक आंटी आ गई हैं, बहुत अच्छी आंटी हैं, बहुत मगन होती हैं जब भी ऐसे कुछ कार्यक्रम होते हैं ना, सबसे आगे खड़ी होती हैं और बहुत सबको आगे लेके चलती हैं, तो बहुत अच्छी हैं। तो वो ना अभी रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो सब लोगों ने देख के ऐसे शौक हो गए, वाह आंटी आप तो ये बहुत अच्छा। तो बीच में जो आवाज़ आ रही है वो आंटी की है, वो बहुत अच्छी है, बहुत कूल आंटी हैं, बहुत सही है। और दे देखिए, अब मतलब ये प्रसाद और जो भी चंदन अंदन जो भी लगाना था सारा हो गया है, और जब इस ये हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग आगे का आयोजन चालू करेंगे। तो आंटी भी थी इसमें, हम लोगों के साथ के भी थे, हमसे बड़े भी थे, सब लोग थे, बहुत अच्छा लगा। तो पहले जो स्टार्ट होगा वो गणेश भजन से स्टार्ट होता है, और बीच बीच में मैं बताऊंगी लास्ट में किससे ख़त्म किया जाता है। पर ये इसलिए ढक दिया क्योंकि अभी ना गर्मी सी लग रही थी, तो सबको फ़ैन चलाना था, अगर फ़ैन चला तो दीपक बुझ जाता, इसलिए हमने इसको ढक दिया है। तो अब बस ऐसे ही पहले स्टार्टिंग में दो भजन किए जाते हैं, गणेश जी वंदना और उसके बाद माता रानी, कृष्ण भजन या फिर शिव भजन या राम भजन, आप कुछ भी कर सकते हो। और लास्ट में भी बताऊँगी कि क्या करके समाप्ति किए जाते हैं। Thank you.
अकॉर्डिंग कुछ तो इसने जो ग्रीन सूट भी पहने मेरी फ्रेंड उसने किया, कुछ एक रेड सूट पहने उसने भी किया, और जो अभी पूजा कर रही थी अभी जो इस टाइम रिकॉर्डिंग कर रही हैं वही कर रही हैं। सॉन्ग बहुत अच्छा लगता, सब इसमें मगन हो जाते हैं। इस भजन में सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा डांस किया, मतलब मगन हो गए कृष्ण उसमें। तो ये ना कृष्ण भजन ऐसे ही होता है, जब भी कुछ होता है ना तो लोग बिल्कुल खो जाते हैं। तो मैंने एक पुराना वीडियो भी डाला है, उसमें भी देखी, उसमें भी ऐसे ही है।
समापन करते हैं, तो लांगुरिया और हनुमान भजन के बाद ही समापन उसका किया जाता है, जबकि भजन कीर्तन उसके बाद आरती की जाती है। आरती के बाद भोज, जो उनका प्रसाद होता है वो भोग लगाया जाता है, और भोग में भी एक गाते हैं मतलब, और फिर देखिए प्रसाद दिया जाता है। और ये जो आयोजन होता है बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी अगर हो सके तो ऐसे आयोजन में ज़रूर जाया करिए। वीडियो अच्छी, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल, और भी वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ।